नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मटर पनीर की एकदम सादा सिंपल सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है तो एकदम सादा और टेस्ट एकदम लाजवाब होता है। उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब आप नॉर्मल जो खाना बनाते हो सारा इंग्रेडिएंट्स वही रहेगा। सिर्फ एक पनीर आपको, पनीर भी आप घर पे एकदम आराम से फ्रेश बना सकते हैं। मैंने तो घर पे ही बनाया, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो चलो हम शुरू करते हैं बनाना। पनीर बनाने के लिए पहले हमें प्यूरे बनाना है। तो प्यूरे बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ का टमाटर रफली ऐसे चॉप कर लिया है, 1 बड़े साइज़ का प्याज ये भी रफली चॉप किया है, और 1 टीस्पून फुल मैंने अदरक लिया है। इस तरह से रफली सारी सब्जियों को मैंने एकदम ऐसे ही काट लिया है रफली, और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन लिया है। इन चारों चीज़ों को मिक्स करके हमें इसका प्यूरे बनाना है। और 1 कप मैंने लिया है यहाँ पर हरा मटर, ये फ्रोज़न है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर होममेड पनीर है, इसको ये 2 लीटर का मैंने बनाया है, 2 लीटर मिल्क का मैंने ये पनीर निकाला है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप चेक कर सकते हैं पनीर कैसे बनाते हैं। ये एकदम फ्रेश है और मैंने ऐसे ही काट लिया है, इसको कोई ऐसे प्रॉपर शेप नहीं दिया है, एकदम फ्रेश एकदम सॉफ्ट ये पनीर होममेड है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अदरक लहसुन प्याज सब एक साथ में डाल के हम इसको बारीक पीस लेंगे। यहाँ पे एकदम बारीक हमारा प्यूरे रेडी हो गया है। कढ़ाई रख दिया है हमने, यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल इसमें 2 टेबलस्पून डाल देंगे, और इसमें ना आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून फुल जीरा। लाइट ब्राउन हो गया है जीरा, इसमें 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर हींग डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, आज को मैंने एकदम कम कर दिया है, हींग भी मेरा हो गया है। धीरे से ये जो हमने प्यूरे बनाया है इसको हमें इसमें ऐड कर देना है, संभाल के। इस तरह से हमने ऐड कर दिया इसको ना, अब हमें एकदम अच्छे से भुनना है। तो मैं आज को हाई मीडियम फ्लेम पे कर दे रही हूँ। अब यहाँ पे 2 मिनट हो गया है हमें ये भुन के। अब इसी के साथ ही हम डाल देंगे इसमें मसाले। तो यहाँ पे 1/3 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, और स्पाइसी आपके ऊपर डिपेंड करता है, हाफ टीस्पून हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून एकदम फुल हम 1.5 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर। ये मसाले डाल करके अब इसको हमें ना इतना पकाना है कि तेल और मसाला हमारा एकदम सेपरेट हो जाए, तब तक हमें इसको पकाना है। मसाला हमारा हाफ डन हो गया है, इसी स्टेज पे हम डाल देंगे हमारा मटर, और इसको डाल करके हम इसको अभी हम पकने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी होने को आ गया। अभी इसमें 1 मिनट और लगेगा पकाने में। अभी स्टेज पे हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और अगर मैं आपका पनीर फ्रोज़न है तो इस स्टेज पे आप फ्रोज़न पनीर इसमें डाल देंगे ना, तो साथ में 1 से 1.5 मिनट तक भुनेगा ना, तो एकदम अच्छे से पनीर सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि पनीर हमारा यहाँ पे फ्रेश है, तो उसको वो ऑलरेडी सॉफ्ट है, तो अभी इसको हमें 1 मिनट और देना है पकने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई एकदम अच्छे से हमारा ये मसाला छोड़ने लगा है, ग्रेवी एकदम अच्छे से पक गया है, बहुत अच्छा इसमें से अरोमा आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा इसमें तेल का भी इस्तेमाल नहीं किया है, तेल कम ज़्यादा आप कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से, लेकिन कम तेल में भी काफ़ी अच्छे से पक जाता है और बहुत अच्छा कलर आया है ग्रेवी का। अब हमें क्या करना है, हमारा ये पानी जो है ये हम इसमें डाल देंगे, हमें जितना लिक्विड इसको रखना है उतना हमें इसमें पानी डाल देना है। तो अभी मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है फिलहाल। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी थिक लग रहा है, ग्रेवी थिक करने के लिए इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है, बस खाली प्याज और टमाटर यही है आप देख सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा थिक ये ग्रेवी हुआ है। लेकिन हमारा पानी थोड़ा इसमें कम लग रहा है, 1 कप पानी हमने और ऐड कर दिया है इसमें। अब इसमें 1 उबाल जब इसमें आ जाएगा ना, तब इसमें मैं पनीर डालूँगी।
यहाँ पे ग्रेवी में उबाल आने लगा है। अब हमारा पनीर इसमें धीरे धीरे पूरा डाल देंगे। आज को हम मीडियम पे कर देंगे। अब पनीर डालने के बाद अब तुरंत हम हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला डालेंगे और इसमें ना थोड़ा सा आप ये ऑप्शनल है शक्कर, हाफ टी स्पून हम इसमें शक्कर भी ऐड कर देंगे। इससे ना बाहर जो पनीर होटल वगैरह में जो पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ना उसमें शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट ना इसमें बहुत अच्छा इन्हेंस करता है शक्कर थोड़ा सा डालने में एकदम बहुत। अगर मैं कभी ना ट्राई किया हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। शक्कर बहुत ज़्यादा नहीं और सिर्फ हाफ टी स्पून बस। ये सारे मसाले अब पड़ गए हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा एक टेबल स्पून हमें धनिया डाल देना, हरा धनिया। अब हमें थोड़ी देर इसको, ऑलरेडी हमारा ये सब्जी पका हुआ है, बस इसको हमें 3 से 4 मिनट देना है, कवर करके इसको पकाना है ताकि हमारे पनीर में अच्छे से ग्रेवी जो है समा जाए। एक बार चेक कर लेंगे सब्जी को, बॉईल आना शुरू हो गया है, इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम आज को यहाँ पे हाई मीडियम फ्लेम पे करके इसको 2 मिनट और पका लेंगे। बस सब्जी हम चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं एकदम अच्छे से सब्जी हमारी कुक हो गई है। मैं सब्जी में थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा रहेगी तो आप राइस और पुलाव जीरा राइस वगैरह के साथ खा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि थोड़ा ये ठंडा जब होता है ना पनीर की सब्जी, कोई भी पनीर की सब्जी हो, तो काफ़ी थिक सा हो जाता है, तो थोड़ा सा आप लिक्विड ही रखेंगे, ज़्यादा ग्रेवी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मटर पनीर एकदम अच्छे से बनकर रेडी हो गया है, कम मेहनत में, कम इंग्रेडिएंट्स में, और बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी हमारा बना हुआ है मटर पनीर का। इस सब्जी में आप डालने को तो बहुत कुछ डाल सकते हो। इसमें आप हैवी क्रीम डाल सकते हो, फ्रेश मलाई डाल सकते हो, दही डाल सकते हो, काजू डाल सकते हो, बटर और घी वगैरह ये सब डाल सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो मटर पनीर में। लेकिन इस तरह से भी बना सकते हो जिस तरह से अभी मैंने बनाया है। और भी मेरे चैनल पर शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर है, वो सब भी आप देख सकते हैं, एकदम विधिपूर्वक से मैंने उसको बनाया है। लेकिन बिलीव में इस तरह की भी सब्जी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करना। इसको बनाने में पहली बात तो आपको आलस नहीं आएगा, आप कभी भी इसको बनाकर एंजॉय, कोई तामझाम इसमें नहीं करना है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और इसका कलर कितना अच्छा आया है सब्जी का। एक बार इस तरह की सब्जी ट्राई करके आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा बना था। अच्छा ही बनेगा। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मैं अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक, जो नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।